एनटीपीसी ने रैतों के मकान पर बुलडोजर चलाया, जिसको लेकर चतरा उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां चतरा जिले के तंडवा प्रखंड में संचालित कोल परियोजना के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर रह रहे दर्जनों लोगों के मकान पर एनटीपीसी ने बुलडोजर चलवा दिया। वहीं मकान तोड़े जाने से रैतों में आक्रोश है। रैतों का कहना है कि एनटीपीसी ने बिना किसी सूचना का घर तोड़ दिया है। एनटीपीसी बाउंड्री लाइन से सटे राहम मौजा के खाता 26 प्लांट 735 में रैती जमीन है, जिस पर रैतों की जमीन व मकान है। उक्त भूमि में ना ही भू रैतों से सहमति ली गई और ना ही मुआवजा दिया गया। भू रैतों ने एनटीपीसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग उठाई, जिसे लेकर एनटीपीसी की बृहद ताप विद्युत परियोजना से जुड़े जमीन की समस्या का समाधान करने को लेकर चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा तंडवा पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिस पर उपायुक्त ने परियोजना द्वारा अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों में पंटी पंजी टू समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। किसी अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत राहम गांव में पड़ता है, जो एनटीपीसी के द्वारा मकान गिरा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि एनटीपीसी अधिकृत क्षेत्र से बाहर आता है, जिसका खाता 26 और प्लॉट संख्या 735 है, जो एनटीपीसी के द्वारा न किसी तरह का अधिग्रहण न किया गया है, न किसी तरह का सूचना दिया गया, फिर भी मकान जबरदस्ती गिरा गया। मेरे अलावा कई और लोगों का मकान गिरा गया है, इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि एनटीपीसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाया जाए। एनटीपीसी की परियोजना है नौरंगपुरा की, उसको लेकर के कई भूमि संबंधी इश्यूज, रैयतों को मुआवजा के संबंध में जो इश्यूज आते हैं, उसको लेकर के कुछ इश्यूज एनटीपीसी के भी हैं, कुछ रैयतों के भी हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए और जो हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हैं जो इसको देखते हैं, उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, और जो डिस्प्यूटेड साइट्स है जहाँ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वहाँ पर एक बार देख के स्थल जांच करने की भी बात है, और कैसे इस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए और कैसे जो रैयतों का जो जेन्युइन कॉम्पनसेशन बनता है उसको दिलाने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए हमको कार्य